सो दोस्तों, आइए अपने सब शुरू करते हैं 3D ज्योमेट्री ऑफ क्लास 12 एंड आज हमारा फर्स्ट क्लास है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, 3D ज्योमेट्री क्लास 12 के अंदर जो आपको करना है, इसका दो प्री रिक्विजिट्स है, मतलब दो कंडीशंस है जो आपको सेटिस्फाई करना होगा तब आप एलिजिबल हो इस चैप्टर को करने के लिए। वो दो कंडीशंस है, नंबर वन, आप लोगों का फंडा 3D ज्योमेट्री का क्लास 11 का क्लियर होना चाहिए, राइट? तो आप लोगों के दोस्तों अगर फंडे क्लास 11 के क्लियर नहीं है तो आप लोगों को क्लास 12 का 3D ज्योमेट्री में दिक्कत होगा, नंबर वन। एंड कंडीशन नंबर टू ये भी है कि क्लास 12 में 3D ज्योमेट्री करने के लिए आप लोगों को वेक्टर्स ऑफ क्लास 12 प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। तो कहने का मतलब है, दो बातें आप लोगों को आनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट दिस चैप्टर इन क्लास 12। वो दो बातें क्या है? नंबर वन, 3D ज्योमेट्री आप लोगों को क्लास 11 वाला आना चाहिए, पूरा एकदम डिटेल में। वो याद हो वो जरूरी नहीं है, बट बेसिक फंडे वो याद होने चाहिए आप लोगों को, सबसे पहला कंडीशन। एंड दोस्तों, मैं अगर दूसरे कंडीशन के बारे में बताऊं तो दोस्तों, दूसरा कंडीशन है वेक्टर जो अपने क्लास 12 लेवल पे करते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, एंड वेक्टर्स अच्छे से ही पता होना चाहिए, राइट? सो इफ दैट इज द केस, देन यू आर यू नो रेडी टू स्टार्ट 3D ज्योमेट्री, ठीक है? इसी लाइट में दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ रिवीजन करवाऊंगा बेसिक्स, एंड उसके बाद अपने सम्स का डिस्कशन करेंगे 3D ज्योमेट्री के अंदर। दोस्तों, आज आप लोग को पता है कि एक 3D ज्योमेट्री के अंदर हम लोग तीन डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। पहले हमारा टोन होता था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब हमारा टोन एक्स और वाई एक्सिस के बारे में बात नहीं करता है, अब हमारा टोन जो है वो हो जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, करेक्ट? सबसे पहली बात फिर से बोलिए सर आप। पहले होता था, जब तक हम लोग 10 में थे, दो एक्सिस के बारे में बात करते थे कार्टेशियन प्लेन में, वाई और एक्स। अब दोस्तों, हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के बारे में बात करने वाले हैं, राइट? जी हाँ सर, बिल्कुल। अब वेक्टर्स में अपने एक बात डिस्कस किए थे, वो मैं रिवाइज करवाता हूँ आप लोग को, कि मान लीजिए दो पॉइंट्स है एक 3D प्लेन में, ठीक है? पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, और पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है माय डियर फ्रेंड्स x2, y2 एंड z2, करेक्ट? जी सर, बिल्कुल करेक्ट। अब सर सीधी बात नो बकवास, अब सर सीधी बात नो बकवास, ये ए से बी तक का जो है ये अपने लोग को दो पॉइंट्स पता है, और आप लोगों को मैं बताया हूं कि अगर आप लोगों को वेक्टर ए बी निकालना है, वेक्टर ए बी का मतलब समझ रहे हो आप, ए से बी के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है, तो व्हाट वाज द तरीका एंड द फंडा दैट आई टोल्ड यू? सर, यू टोल्ड अस कि आप ग्रेटर माइनस लेसर कर दीजिए या बाद वाला माइनस पहले वाला करिए, तो इन दैट लाइट x2 माइनस x1, अच्छा आई कैप लिखना पड़ेगा बिकॉज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर का मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। सिमिलरली y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ये होता है वेक्टर ए बी। दोस्तों इतना समझ में आया ना? हाँ सर, इतना समझ में आया। और मैं आप लोगों को एक बात और याद दिला देना चाहता हूं कि एक कंसेप्ट मैंने वेक्टर्स की शुरुआत में आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास में, मैटर ऑफ फैक्ट, वो था डायरेक्शन रेशियो। सर डायरेक्शन कोसाइन भी था, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन मैंने सेकेंड या थर्ड क्लास में बताया था आप लोगों को, बट डायरेक्शन रेशियो मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। डायरेक्शन रेशियो का मतलब कि आई कैप के साथ जो बगल में कॉन्स्टेंट खड़ा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हो x2 माइनस x1, तो यानी कि दैट इज डायरेक्शन रेशियो, ओके? तो उसको अपने लोग ए लिखते हैं x2 माइनस x1 को, राइट? बी लिखते हैं y2 माइनस y1 को, और सी लिखते हैं z2 माइनस z1 को। इनको दोस्तों अपने लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, करेक्ट बात? सर करेक्ट बात। और मैं आप लोगों को बता दूं, अपने लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सर ये आप रिवाइज क्यों करवा रहे हो? मैं बोला सब समझ में आ जाएगा, हौले हौले सुनते चलिए बात को। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर ए बी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको क्या फॉर्मूला बताया गया था? सर सीधी बात नो बकवास, आपने कहा था x2 माइनस x1 जो भी है, मतलब जो डायरेक्शन रेशियो है उसका होल स्क्वायर, सिमिलरली y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ये एक डिस्टेंस की तरह ही तो है, और डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों ने 3D ज्योमेट्री में कर रखा है, 3D का डिस्टेंस फॉर्मूला ही यही है। ओ सर बात तो सही है, क्लास 11 में किए थे अपने, खैर जो भी है, दिस इज इक्वल टू व्हाट सर,
दिस कैन ऑल्सो भी रिटेन एज, अब क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन को अपने ए लिखते हैं तो दैट कैन ऑल्सो भी रिटेन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां पे ए बी और सी क्या है रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज, ए बी और सी क्या है रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज। बहुत ही बेसिक बात अभी बताई, इतना सबको क्लियर है, सब कंफर्टेबल हो क्या? हाँ ना बोलिए, अभी तो कुछ नया बोला भी नहीं, कुछ छोड़ा भी नहीं आपकी तरफ नया, इतना क्लियर है क्या? हाँ ना, फटाफट बोलिए एवरीबॉडी, यस और नो, कुछ और बेसिक बातें आप लोगों को बतानी है? यस और नो फटाफट, यस सर, ऑल राइट, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट। सर क्या है ये डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट, जरा बताएंगे प्लीज? मैं बोला बिल्कुल बताऊंगा, डायरेक्शन कोसाइन का कंसेप्ट बताया हुआ है थर्ड क्लास में आई बिलीव वेक्टर्स के। खैर अभी मैं रिपीट करता हूं आप लोग के लिए, वेक्टर्स के थर्ड क्लास में अपने लोग ये किए थे, बट स्टिल एक समरी जरूरी है तो मैं बता दे रहा हूं। दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन का बेसिकली मीनिंग होता है, सुनिएगा, एक यूनिट वेक्टर आप निकाल लिए, और एक यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, आई से अगेन, एक यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है, फिर से बोलिए, एक यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। सर यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते थे? सर भूल गया मैं बोला ध्यान से सुनिए, ये होता था यूनिट वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा था, वो क्या था, जो पोजीशन वेक्टर ए है उसमें मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए, यस और नो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिए, यस, मतलब अगर वेक्टर ए बी है उसका अपने लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है तो अपने को जो वेक्टर ए बी है उसको डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से, करेक्ट? जी सर बिल्कुल करेक्ट बात करते हो। अब मैं बोला इसी को आप लोग अगर थोड़ा सा डीप जाकर समझे, अगर इसी को आप लोग थोड़ा सा डीप जाकर समझे तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, जब आप लोग मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो होने क्या लगेगा, होने ये लगेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ए है डायरेक्शन रेशियो ओरिजिनल का, अब ए में डिवाइड हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, हाँ सर बिल्कुल, वैसे ही बी में भी सेम चीज होगा, ओ और सी में भी सेम चीज होगा। मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि इसी को अपने बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, एम से और एन से, एल से, एम से और एन से। सर एक बात और मैंने कहा, क्या सर आपने हमें यह भी बताया था ना, आपने हमें यह भी बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन को निकालने का एक और फॉर्मूला है, कॉस अल्फा, एम का है कॉस बीटा और एन का है कॉस गामा। सर ये फॉर्मूला कब अपने को लगाना और अल्फा बीटा गामा कब है, क्या है? दोस्तों अल्फा बीटा गामा बेसिकली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट सर, सीधी सी बात है कि कोई एंगल कितना इंक्लाइंड है, कोई लाइन, सुन लीजिएगा प्लीज, कोई लाइन कितना इंक्लाइंड है विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना इंक्लाइंड है, वो अल्फा है, तो कॉस अल्फा निकालेंगे तो एल आ जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस के साथ कोई लाइन कितना इंक्लाइंड है टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, वो बीटा है, और गामा क्या है, जेड एक्सिस के साथ कितना है, इस तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, एंड अगर आप लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है और वेक्टर पता है तो आप लोगों को एल एम और एन निकालने के लिए ये यूज करना पड़ेगा। ये मैंने थर्ड क्लास में आप लोगों को वेक्टर्स के बता रखा है सर, ठीक है। एक बात सर आपने और हमें बताई थी कि जो तीनों का जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनका सम स्क्वायर का सम होता है, जी हाँ बिल्कुल वन, करेक्ट बात है सर। सर कुछ बातें और जो आपसे करनी है, आप लोगों को एक कंडीशन मैंने पढ़ाया था और ये कंडीशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थ्री डी ज्योमेट्री में भी आता है, वेक्टर्स में तो आता ही है, थ्री डी ज्योमेट्री में भी आता है, तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लग रहा है ना कि सर वेक्टर्स का रिवीजन क्यों दे रहे हैं, तो एकदम सही लग रहा है, क्योंकि वेक्टर्स का बहुत खासम खास एप्लीकेशन है थ्री डी ज्योमेट्री के अंदर। तो वेक्टर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब रहते हैं एक दूसरे से, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी कब होता है ये चीज, मैं बोला आप लोगों को मैं याद दिला दूं, दोस्तों मैंने आप लोगों को याद दिलाना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू
प्लस सी वन सी टू जीरो है। सर समझ नहीं आया इसका मतलब? दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि ए वन ए टू मतलब मान लीजिए दो वेक्टर्स है, फॉर एग्जाम्पल ए वन एक्स कैप प्लस बी वन वाई कैप प्लस सी वन जेड कैप, सिमिलरली ए टू एक्स कैप प्लस बी टू वाई कैप प्लस सी टू जेड कैप। अगर दोस्तों ये दो वेक्टर्स है तो ये ए वन ए टू बी वन बी टू ये डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट को ऐड कर दीजिए और अगर आपका टोटल जीरो आता है तो सर आप लोग बोल सकते हो कि ये वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। इसका लॉजिक बताऊं मैं आप लोगों को? हाँ सर लॉजिक बताइए। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ये इस बात का लॉजिक ही है ना कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ये जीरो रियल में क्या है, मैं बताऊं आपको, बताता हूं दिखाता हूं। देखिए यहां पे ये देखिए, हालांकि डिटेल्स में मैंने डिस्कस कर रखा है वेक्टर्स की थर्ड क्लास में, बट स्टिल आप लोगों को एक बार याद दिलाने की कोशिश करता हूं। अगर दो वेक्टर्स है उनके बीच में 90 डिग्री है और मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एक सर्टेन एंगल बन रहा है लेट से यहां पर 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ दैट निकाल लीजिए, तो कॉस 90 कितना होगा, जीरो। इस वजह से यहां पर ये कंडीशन अप्लाई होता है, कॉस 90 जीरो होता है। तो सर रियल लाइफ में ये कॉस 90 का इफेक्ट है? जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। एक बात हो गया, ये हो गया कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब वेदर टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर नॉट। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन है कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर आर नॉट, तो दोस्तों इसमें भी दो कंडीशंस था जो आप लोगों को सिखाया गया था, दोनों में से कोई भी तरीके से आप कर सकते हो, मैंने वेक्टर में बता रखा आप लोगों को। पहला कंडीशन है कि रेशियोज या प्रोपोर्शंस चेक कर लीजिए, जो ए वन बाई ए टू होगा वो बी वन बाई बी टू होगा और वही सी वन बाई सी टू होगा, तो कंडीशन नंबर वन ये हो गया। या फिर मान लीजिए एक वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है ए, अपने को अगर प्रूफ करना है कि एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं, तो अगर आप वेक्टर ए को लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, अगर आप लिख सकते हो वेक्टर ए को लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, तो भी आप बोल सकते हो टू वेक्टर्स आर पैरेलल। इन सब का एप्लीकेशन आएगा। मैंने क्या कहा एक बार फिर से समराइज करके आप लोगों को बताता हूं। मैंने अभी तक आप लोगों को कहा कि थ्री डी ज्योमेट्री क्लास 11 का और क्लास 12 का वेक्टर्स का कंसेप्ट आप लोगों को अच्छा स्ट्रांग होगा, तभी आप लोग थ्री डी ज्योमेट्री क्लास 12 का कर सकोगे। क्योंकि आप लोगों को वेक्टर्स की टाइम हो गया तो मैंने आप लोगों को समराइज कर दिया वेक्टर्स के अलग अलग फंडे। सर सबको क्लियर है क्या? एक बार हाँ ना बोल देंगे तो मजा आ जाएगा, फिर बातचीत में और जोर लगेगा मेरे। फटाफट बोलिए यस और नो। यस और नो एवरीवन, यस और नो फटाफट। यस सर, ओके चलिए सही है, ऑल राइट सर बातचीत आगे बढ़ाओ आप। मैं बोला ओके बातचीत आगे बढ़ाता हूं, आपने कहा हमने किया। सर अब बातचीत को लेकर चलते हैं एक और कंसेप्ट पर, एक्चुअली एक और रिविजन है, रिविजनरी कंसेप्ट है, वो मैं बता देता हूं। अब अपने लोग देखते हैं डिरेक्शन कोसाइंस, ये भी रिविजन ही है बेसिकली, डिरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स के थर्ड क्लास में ये भी कवर था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक एक करके अपने लोग देखते हैं। अब डायरेक्शन कोसाइन दो तरीका है निकालने का, जैसा कि मैंने ऊपर में समराइज करके बता रखा आप लोग को कि एक तो ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां पर ए एक डायरेक्शन रेशियो है, वैसे बी डायरेक्शन रेशियो है, रूट ओवर मैग्नीट्यूड मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड सी बाई मैग्नीट्यूड, क्या तो ये तरीका है? या फिर अगर आप लोगों को अल्फा बीटा और गामा पता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। अल्फा क्या है? इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस, वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है वो है अल्फा। बीटा इंक्लिनेशन विद द वाई एक्सिस ऑफ व्हाट ऑफ द वेक्टर लाइन। सिमिलरली गामा क्या है? सेम इंक्लिनेशन विद द जेड एक्सिस। अब मैं आप लोगों से क्या बात कर रहा हूं, अगर हम लोग जैसे कोई पूछे कि एक बात बताओ भाई एक्स एक्सिस का क्या होगा डिरेक्शन कोसाइंस, तो बात बहुत ही सिंपल है, सरल है, L, M और N निकालना है अपने को। आज आप लोग देखिए X एक्सिस का खुद के साथ क्या एंगल बनता है, जीरो। और आपने क्या सीखे थे? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका है कि जो लाइन X एक्सिस के साथ बनाएगा वो L देगा cos जीरो, क्योंकि जीरो डिग्री बन रहा है। X का खुद के साथ क्या एंगल बनता है? जीरो डिग्री। तो X का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू X? cos जीरो, विच इज वॉट वन।
एक्स का वाई के साथ क्या एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है? जीरो। जेड के साथ कितना बनता है? 90, तो यानी कि जीरो। ओ वाई एक्सिस, वापस से, अब वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है? 90 डिग्री। तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? जीरो। वाई एक्सिस का खुद के साथ क्या एंगल बनता है? जीरो। तो कॉस जीरो कितना होगा? एंड इसके लिए जीरो, खत्म हो गया। अगर कोई अपने से बात करे जेड एक्सिस का, तो एल जीरो, एम भी जीरो, जेड का खुद के साथ एंगल क्या बनता है? जीरो। तो कॉस जीरो कितना होगा? वन। ओ सर ये बात तो सही है, ये बात आपने बता रखा हमें? मैं बोला हाँ बात बता रखा है। सर इतना अगर क्लियर है आप लोगों को, एक बार हाँ ना बता दीजिए, क्योंकि अब हमने लोग चलने वाले हैं लाइंस के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब एक्चुअल में अब अपने लोग 3D ज्योमेट्री वाला जो हार्डकोर स्टफ है उसमें घुसने वाले हैं। अभी तक जो बताया वो भी 3D का ही पार्ट है, बट अब और डेप्थ में, मतलब समथिंग यू हैव नेवर स्टडीड बिफोर वाला पार्ट में जाने वाले हैं। उससे पहले वॉट एवर यू हैव स्टडीड बिफोर वो रिवाइज हो गया ना, कन्फर्म कर दीजिए। यस सर, हाँ सर, हाँ सर, ऑल राइट, ठीक है, आप लोग बोलते हो हाँ सर, तो ठीक है, मान लिया, मान लिया। सर अब बताइए आप आगे बात। मैं बोला देखो सीधी सी बात यह है, मैं बोला देखो सीधी सी बात यह है कि एक लाइन है, हाँ सर लाइन है, अपने लोग क्लास 10 तक बहुत सारा फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़े, इनफैक्ट क्लास 11 में भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाना सीखे अपने लोग, याद है आप लोगों को? वैसा पढ़ते थे आप लोग कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, तो यू नो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये होता था 2 पॉइंट फॉर्म। फिर कोई बोलता था पॉइंट्स लोग फॉर्म, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ऐसे करके इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत चीज अपने पढ़े हैं। यस और नो सर, पढ़े तो है। जैसे पहले इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर्म करते थे, वैसे यहां पर भी हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन को फॉर्म करना सीखेंगे। अब यहां पर जो वेक्टर की दुनिया में आप लोग सीखोगे ना वेक्टर का मतलब लाइन का इक्वेशन फाइंड करना, वो दो तरीका का होगा, वो दो तरीका का होगा। एक होगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब वेक्टर्स के टर्म्स में एक लाइन का इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं वो अपने सीखने वाले हैं अभी क्लास में, और अपने सीखने वाले हैं होता बहुत कुछ है, बट अभी अपने लोग जिस चीज पर फोकस करने वाले हैं वो हाईलाइट कर रहा हूं। नेक्स्ट है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, सम भी करेंगे आप लोग, चिंता ना करें, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए फिर धड़ाधड़ सम्स करेंगे, ठीक है? तो ओके सर, अब आप लोग सुनिए, अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है अपने को टू फॉर्म वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। मैं आप लोगों को अभी सबसे पहले क्लास में वो बताने वाला हूं आज की क्लास में, जो अपने लोग को पहला सिचुएशन है जहां पर अपने को लिखा हुआ रहेगा क्या, when line passes through a given point। मान लीजिए अपने को एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा, लेट्स से पॉइंट ए, और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x1 y1 z1, एक लाइन पास कर रहा है x1 y1 z1 से, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और अपने को साथ साथ में बताया गया है एक और इंफॉर्मेशन, एंड द लाइन इज पैरेलल टू अ वेक्टर बी, मतलब एक पोजीशन वेक्टर बी है, वो लाइन उस पोजीशन वेक्टर से पैरेलल है, और साथ में लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, वो अपने को दिया हुआ है। अब अपने को क्या फॉर्म करना है? अब देखो मैं सीधा सीधा आपको बात बता सकता हूं, बट मैं आप लोगों को छोटा सा डेरिवेशन दिखा रहा हूं कि कैसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनता है, या कैसे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनता है व्हेन दिस टू इंफॉर्मेशन आर गिवन। एक बार फिर से समराइज करिए सर, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक लाइन है ऐसे जा रहा है, तो आप लोगों को एक पॉइंट ए दिया हुआ है, मान लेते हैं x1 y1 z1, और अपने को यह दिया हुआ है कि यह लाइन एक और लाइन एक और वेक्टर से पैरेलल है, और अपने को बोला गया इस वेक्टर का नाम है वेक्टर b। अब अपने को बोला गया ये जो नीचे वाला लाइन है इसका इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के बताइए, ठीक है?
सबसे पहले तो बिना किसी बकवास के मैं एक पॉइंट और ले लेता हूं इस लाइन पर, जिसका नाम पॉइंट आर रखते हैं, अज्यूम्ड। ये अपने लोग का अजम्पशन है दोस्तों, लिख दिया मैं ब्रैकेट में अज्यूम्ड। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं एक्स वाई और जेड। समझ आया? जी सर बिल्कुल समझ में आया आपका बात। अब आप लोग एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? और कुछ सब कुछ साइड में, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो वाई द पैरेलल कंडीशन ऑफ वेक्टर्स, मैंने जो कि आज रिवाइज करवाया, आप लिख सकते हो वन वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स द अदर वेक्टर। सर लिख सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों दैट लॉजिक से तो आई कैन राइट, सिंस वेक्टर ए आर इज पैरेलल टू वेक्टर बी, आई कैन राइट इट एज वेक्टर ए आर इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। यस और नो, फटाफट बोलिए। मैं आप लोगों को फॉर्मूला स्ट्रेट अवे नहीं लिखकर दिखा रहा वेक्टर इक्वेशन का, मैं फॉर्म करके दिखा रहा हूं। यू हैव गॉट टू एक्सेप्ट दैट, अप्रिशिएट दैट एंड रिस्पॉन्ड फटाफट। यस और नो एवरीवन? यस सर, सर बिल्कुल ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि वेक्टर ए आर इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी आर। सवाल है कि वेक्टर ए आर निकालेंगे कैसे आप? अब आप लोग सीधा बोलोगे कि सर एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन करना पड़ेगा। मैं बोला बिल्कुल सही जवाब। मतलब आप लोग अग्री करते हो कि अपने को वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए करना पड़ेगा तब अपने को वेक्टर ए आर मिलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि बाद वाला माइनस पहले वाला किया जाता है, जो कि मैंने आज के क्लास में शुरुआत में आप लोगों को याद दिलाया है। ये रहा देख लीजिए, वेक्टर ए बी निकालना था तो किस तरह से निकाले हम लोग। ठीक है, तो बाई दैट लॉजिक माई डियर फ्रेंड्स, बाई दैट लॉजिक माई डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये बोल सकते हो कि वेक्टर ए आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि दिस वेक्टर ए आर, हाउ विल यू गेट वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये जो ए है इसको मैं वेक्टर ए की तरह ऐसे लिख रहा हूं, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। सर बिल्कुल सही। और अपने लोगों को रियल लाइफ में ये वेक्टर आर ही तो निकालना है, रियल लाइफ में अपने लोग को ये वेक्टर आर ही तो निकालना है। सर बात तो सही कहते हो आप। तो मैं लिख सकता हूं वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, ओ माय गॉड, इस तरफ जाएगा ये वेक्टर, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अच्छा, जिसमें ये वेक्टर ए क्या हुआ, जिसमें ये वेक्टर ए क्या हुआ, पॉइंट वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट, मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट। सर पोजिशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट का मतलब मैं समझाता हूं क्या इसका मतलब। अच्छा, तो ये है मेन इक्वेशन, ये है वेक्टर इक्वेशन। ए क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट। जिसको नहीं समझ में आया पोजीशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट क्या होता है, मैं याद दिला दूं। जैसे मान लीजिए अपने लोग को दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और जेड वन। अगर आप लोगों को एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह दिया होता कि एक वेक्टर पास कर रहा है टू थ्री फोर से, तो अगर वो वेक्टर टू थ्री फोर से पास कर रहा है तो उस वेक्टर को, ये जो टू थ्री फोर जो पॉइंट है, ये रियल लाइफ में क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो आप लिख सकते थे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप, टू थ्री फोर ना, तो प्लस फोर के कैप, ये लिख सकते हो आप। तो बेसिकली आपको, अच्छा तो सर मतलब अगर हम लोग को पासेस थ्रू टू थ्री फोर लिखा है तो हम लोग को उसका ऐसे पोजीशन वेक्टर बनाना है। जी हाँ बिल्कुल। ओ करना आप लोगों को ये पूरा स्टेप नहीं है काम का, तो आपके सिर्फ ये वाला स्टेप है। मैं आप लोगों को डेरिवेशन दिखाया जिससे चीजें समझ में आए बेहतर। और वेक्टर बी क्या है? वेक्टर बी है जिससे, जो जिस वेक्टर का अपने को इक्वेशन निकालना है, या जिस वेक्टर का इक्वेशन निकालना है अपने को, उस वेक्टर से जो पैरेलल वेक्टर है जिसका पूरा इंफॉर्मेशन है, वो पैरेलल वेक्टर को वेक्टर बी बोलते हैं। ओ पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर को अपने लोग मान लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो मतलब पैरेलल वेक्टर का जो ए बी और सी है ना, सुन लीजिएगा, पैरेलल वेक्टर का जो ए बी और सी है ना, पैरेलल वेक्टर का, बार बार बोल रहा हूं, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है वो, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है वो। तो ए बी और सी क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। और एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा? पॉइंट थ्रू विच द वेक्टर इज पासिंग, जैसे यहां पर। ओ सर समझ में आ गया इतना बात? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। और आर कैप क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ अज्यूम्ड पॉइंट। हम लोगों ने एक पॉइंट जस्ट अज्यूम कर लिया, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जो हम लोग असल में निकालेंगे। और वो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली अपने लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू एक्स आई कैप
एक्स वाई और जेड निकालना है अपने लोग को, वाई कैप जेड के कैप। ये बेसिकली होता है दोस्तों, ये बेसिकली होता है दोस्तों वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या होता है सर? ये होता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा ये बात सर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन को एक बार इधर पे मैं लिखकर दिखा देता हूं, समराइज कर देता हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन को, कि एक वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसा दिखेगा। दिस इज द डिजायर्ड वेक्टर, और इसमें होगा एक जो गिवन पॉइंट है उससे एक वेक्टर आपको क्रिएट करना है, पोजिशन वेक्टर, प्लस आप लोगों को और क्या करना है, लैम्डा टाइम्स जो पैरेलल वेक्टर है उसका। समझ में आ गया सर? जी हाँ बिल्कुल सर। ए क्या है, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट का ये दोबारा लिख दे रहा हूं पोजिशन वेक्टर, और बी है पैरेलल वेक्टर। सीधी बात, नो बकवास। सर जब आपने ये बात हमें बताई दिया है, जब आपने सर हमें ये बात बताई दिया है, तो एक बात और बता दो ना, फिर हम लोग सम्स कर लेंगे। मैं पूछा क्या कि सर ये तो हो गया वेक्टर इक्वेशन, ये देखिए इसके ऊपर आपने लिख भी दिया वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सम्स करेंगे सर, बट उससे पहले आप हम लोगों को एक बात और बता दो। मैं पूछा क्या कि सर कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलता है, मैं बोला कार्टेशियन इक्वेशन भी स्ट्रेट अवे लिख के दिखा सकता हूं, बट एक बार आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा, तो प्लीज एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, है ना, स्लिप ऑफ टंग हो गया था, डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो कार्टेशियन इक्वेशन है ना, वो भी इसी से निकलता है। आप लोग देखो, मैं लिख रहा हूं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये तो आप लोगों का आया हुआ है ऊपर में, देख लीजिए ये रहा, ये वाला उठा रहा हूं मैं सर, बिल्कुल सही कहते हो आप। अब आप लोग देखिए आर वेक्टर को मैंने क्या लिखा था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यस और नो? ये देखिए यहां पर मैंने लिखकर दिखा रखा आप लोग को, अज्यूमिंग, जी सर बिल्कुल, माइनस वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए में मैंने आप लोगों को दोस्तों याद दिला, मैं याद दिला दूं, अपने जिस पॉइंट से पास करता है लाइन उसको अपने यहां पर लेते हैं ए कैप के अंदर, तो एक्स वन वाई वन और जेड वन है, तो अगर एक्स वन वाई वन और जेड वन से पास कर रहा है तो वेक्टर ए क्या होगा, एक्स वन आई कैप, क्योंकि ये एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या बन जाएगा, डिरेक्शन रेशियोस, ओ प्लस जेड वन के कैप, एंड दैट माई डियर फ्रेंड्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और वेक्टर बी हमारा क्या है, वेक्टर बी हमारा क्या है, मैंने आपको कहा था जो पैरेलल वेक्टर है उसका ए आई कैप बी आई बी जे कैप और सी के कैप लेते हैं सर, बिल्कुल बी जे कैप प्लस सी के कैप अपने लोग लेते हैं, बिल्कुल। माई डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग कंपेरिजन करो, आप लोग कंपेरिजन करो तो आप लोग एक चीज पाओगे कि अगर इधर लेफ्ट साइड में देखें तो अगर ब्रैकेट खोलें तो ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन आएगा और बाहर में आई कैप आएगा, सिमिलरली वाई माइनस वाई वन आएगा बाहर में दोस्तों जे कैप आएगा, और सिमिलरली जेड माइनस जेड वन आएगा और बाहर में बाबू के कैप आएगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स यू नो विच इज इक्वल टू बेटा लैम्डा टाइम्स ए आई वेक्टर बी जे वेक्टर प्लस सी के वेक्टर, करेक्ट। इसको एक काम करते हैं, अगर अपने लोग पूरी तरह से ओपन कर दें राइट साइड को भी, तो अपने लोग का कुछ इस तरह का पिक्चर दिखने मिलेगा, लैम्डा ए आई कैप प्लस लैम्डा बी जे कैप प्लस लैम्डा सी के कैप, करेक्ट? जी सर बिल्कुल करेक्ट। अगर आप लोग दोनों साइड को कंपैरिजन करो, अगर आप लोग दोनों साइड को कंपैरिजन करो एक बार के लिए, तो आप लोग पाओगे x माइनस एक्स वन लैम्डा ए के बराबर है, क्योंकि दोनों तरफ आई कैप है। कंपैरिजन पे मैं यहां पर आप लोगों को डेरिवेशन दिखा रहा हूं कि कैसे वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन निकलता है। एग्जाम में आप लोग को कोई करने नहीं बोलेगा ये चीज, सीधा इक्वेशन लिखने बोलेगा, तो निश्चिंत रहिए उस मामले में। खैर जो भी है सुनिएगा, जब अपने लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो अपने पा रहे हैं कि x माइनस एक्स वन जो है वो लैम्डा ए के बराबर है, तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूं x माइनस एक्स वन बाई ए, सर सही बोलते हो आप। सिमिलरली दोस्तों y माइनस वाई वन को अपने लोग लिख सकते हैं लैम्डा बी के बराबर, तो यानी कि y माइनस वाई वन बाई बी अपने लोग का लैम्डा हो गया दोस्तों, सर कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे ही z माइनस जेड वन बाई सी को अपने लोग लिख सकते हैं लैम्डा, ओ माई गॉड, तो सर लैम्डा 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 तो इक्वल होता है, उस लॉजिक से अपने लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ओ माई गॉड, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ओ तो सर आप इतना मेहनत इसी के लिए करवा रहे थे, हाँ याद हम लोग को सिर्फ ये रखना है, यस। एक बार फिर से लिखवा देता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन पूरे के पूरे बॉक्स में, क्या है कार्टेशियन इक्वेशन दोस्तों, कार्टेशियन इक्वेशन सीधी बात नो बकवास है आप लोगों का, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी
इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, करेक्ट? जी हाँ सर, बिल्कुल। जहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से, एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या है, एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या है दोस्तों, एक्स वन वाई वन और जेड वन वो पॉइंट्स है जिसके थ्रू अपना रिक्वायर्ड वेक्टर पास कर रहा है, जिस वेक्टर का इक्वेशन या जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स वन वाई वन और जेड वन वो है गिवन पॉइंट, ठीक है, गिवन पॉइंट। और सर ए बी और सी क्या है हमारा, जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। अच्छा जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, इतना तक बात क्लियर है क्या? हाँ आई अंडरस्टैंड, आप लोगों का दिल चाह रहा है कि सम होए, होगा, पर मेरा भी एक लिमिटेशन है कि मेरे को कंसेप्ट थ्रो करना है आप लोगों की तरफ। तो ये बताइए क्लियर है क्या, और अगर क्लियर है तो फिर अपने लोग सम्स पे चले क्या? हाँ ना बोल दीजिए ना बस एक बार, फिर सम्स पे अटैक करेंगे फटाफट जोरों शोरों से। यस सर, ओके सर। अब मैं आप लोगों को यह बात ऑनेस्ट डिस्क्लोजर दे दूं कि अब जो मैं सम्स करवा रहा हूं ना आप लोगों को, या जो सम्स मैंने उठाए और पिक किए हैं टू हेल्प यू सॉल्व देम, वो मैं बता दूं, मैंने एनसीईआरटी वाली बुक से पिक किए हैं, एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 को मैं टारगेट कर रहा हूं। यह बात मैंने आप लोगों को डिस्क्लोज कर दिया, जिससे आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो आप लोग वहीं से प्रैक्टिस ज्यादा करिए, ठीक है ना। एंड 11.1 का सम्स मैं पहले करवा रहा हूं, फिर 11.2 में चलेंगे। आइए, क्वेश्चन है 11.1 का, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है तो मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड, ये सोचिए ये 3D का सम है, विथ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, फाइंड डिरेक्शन कोसाइंस। अपने लोग को बोला गया डिरेक्शन कोसाइन निकालने को एक वेक्टर का, और आप लोगों को पता है अगर एंगल दिया हुआ तो डिरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? हाँ सर पता है। तो एल क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो, खत्म। एम क्या है, कॉस 135, क्योंकि डिरेक्शन कोसाइन कॉस निकाल के ही होता है, कॉस 135 डिग्री। अब आप लोग देखिए cos 135 को आप लिखोगे 90 प्लस 45, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और क्योंकि 90 के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, क्योंकि आप 90 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये cos 90 प्लस 45 क्या बन जाएगा सर, ये cos 90 प्लस 45 जो है आप लोगों का बन जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री। सर ये माइनस क्या हुआ, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव ही होता है ना, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो नहीं देखा जाता है, जहां से आ रहा है वो देखा जाता है, तो माइनस साइन 45 माइनस 1/√2 हो गया, तो यानी कि एम मिल गया अपने लोग को डायरेक्शन कोसाइन। और दोस्तों एन निकालना है, क्या दिया हुआ है अपने को, अपने को दिया हुआ 45, तो एन हो गया कॉस 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1/√2, विच इज इक्वल्स टू 1/√2। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल सर, सबको क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन? हाँ क्लियर ही है सर, अगर नहीं है तो फिर बताइए, और क्लियर है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा चांसेस आने का जो अब मैं करवाने वाला हूं आप लोग को, फाइंड द, फटाफट बोलिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां हमें क्या कहा जा रहा है, या हमें दोस्तों क्या कहा जा रहा है मैं आप लोगों को बता दूं, या हमें कहा जा रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस निकालो एक लाइन का, एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अपने को बोला गया जो भी वो एंगल बना रहा है, चाहे वो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल, देखो लिखा हुआ विच मेक्स इक्वल एंगल। तो सर सवाल ये है कि फिर कैसे करना है, बाबू देखो एल भी कॉस अल्फा होगा आप लोग का, एम भी कॉस अल्फा होगा, और एन भी कॉस अल्फा होगा आप लोग का। अच्छा 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 ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। और बताइए सर आप, मैं बोला आप ध्यान से सुनना,
कॉस अल्फा ये भी है, एम बी कॉस अल्फा और एन बी कॉस अल्फा है। अब सर और कुछ मालूम हो? नहीं मालूम हो, अपने को पता है एक रूल कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, सम ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज वन, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज वन। आज भी रिवाइज करवाया और वेक्टर्स क्लास थ्री में भी बताया हुआ आप लोग को। तो यार गोइंग बाय दैट लॉजिक आप लोग लिखोगे ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन। सो बेसिकली थ्री कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, यानी कि बाबू कॉस स्क्वायर अल्फा आप लोगों का वन बाई थ्री, कॉस अल्फा आप लोगों का प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री आएगा। सर बात तो सही है, और प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री दोनों पॉसिबिलिटी है। ये लो निकल गया आपका डायरेक्शन कोसाइन, ये लो जिसको निकालना था डायरेक्शन कोसाइन वो आप लोगों का निकल गया। हाँ सर क्लियर है, इतना क्लियर है सबको? जी सर। आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों को लेके चलूं, और दोस्तों मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 11.1 का यही बेसिक क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज पर लेकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सुनिएगा सर। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर टू है, वैसे सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर टू मैं बता रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स वन कॉमा माइनस वन कॉमा टू थ्री कॉमा फोर कॉमा माइनस टू इस परपेंडिकुलर टू, मतलब ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स अपने को दिया हुआ है एक वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का, अपने को बोला है प्रूफ करने को कि इस परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू, अब सेकेंड सेट ऑफ पॉइंट दिया हुआ है जिससे लाइन पास कर रहा है दूसरे वेक्टर के लिए, जीरो थ्री टू एंड थ्री फाइव सिक्स। सवाल है सर ये कैसे होगा? मैंने आप लोगों को वेक्टर का परपेंडिकुलरिटी कंडीशन बता रखा है, अब वो दो कंडीशन मैंने आप लोगों को बता रखा है, अगर आप लोगों को रिवाइज करना है ये रहा, आइए आज के क्लास में मैंने बताया आप लोगों को, ऊपर आइए ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू कर लीजिए, नहीं सॉरी ये तो पैरेलल का था, परपेंडिकुलर का है, ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल टू जीरो। लॉजिक भी बताया था कॉस 90 देखा जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर 90 है तो कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो मतलब ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू जीरो आना चाहिए। सर ये बात तो याद आ गया, ये बात तो सर याद आ गया, मैं बोला वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर। लेकिन अब सवाल ये है कि ये वेक्टर निकाले कैसे? मैं बोला आप लोगों को तो बहुत सिंपल बात पता है कि अगर आप लोगों को वेक्टर ए निकालना है, मान लीजिए वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का आप लोगों को निकालने का तरीका पता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, मतलब थ्री माइनस वन आई कैप प्लस फोर माइनस माइनस वन, यानी कि फोर प्लस वन जे कैप, कोई कंफ्यूज मत होना, फोर माइनस माइनस वन करना पड़ा इस वजह से वो प्लस वन लिखा हुआ है, ओके प्लस माइनस टू, माइनस टू के कैप। तो जब आप लोग करोगे तो आप लोगों का वेक्टर ए क्या आएगा, टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप और माइनस फोर के कैप, ये हो गया एक वेक्टर, ये हो गया एक वेक्टर। अब वेक्टर बी निकालना है तो सेम चीज इसके साथ करो, थ्री माइनस जीरो आई कैप प्लस फाइव माइनस थ्री जे कैप प्लस सिक्स माइनस टू के कैप। सर सीधी बात नो बकवास, तो क्या होगा थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर के कैप, कर लिया सर अब? हाँ सर बिल्कुल कर लिया। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही सीधी सी बात, नो बकवास सर बताइए क्या। अब आप लोगों को क्या प्रूफ करना रहता है कि ए वन, टू प्रूफ सुनिएगा, टू प्रूफ कि ए वन इंटू ए टू प्लस बी वन इंटू बी टू प्लस सी वन इंटू सी टू इक्वल टू जीरो। तो यार ए वन और ए टू, बी वन और बी टू, सी वन और सी टू निकालने के लिए पहले आपका वेक्टर, वेक्टर तो फॉर्म होना चाहिए था, पॉइंट्स को यूज करके हमने वेक्टर फॉर्म किया। अब यहां पर ये अपने लोग का ए वन है, ये अपना ए टू है, वाओ, ये अपने लोग का बी वन है, वो अपने लोग का बी टू है, सिमिलरली ये अपने लोग का सी वन है, ये अपने लोग का सी टू है। ओहो तो यानी कि एल एच एस अगर अपने करें तो आप लोग क्या देखोगे, ए वन इंटू ए टू यानी कि टू इंटू थ्री प्लस बी वन इंटू बी टू यानी कि फाइव इंटू टू प्लस, क्योंकि सी वन इंटू सी टू है, माइनस फोर इंटू फोर
वाओ, ये LHS है, तो कितना आ रहा है, 6 प्लस 10 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, खत्म खत्म, मतलब वेक्टर्स खत्म नहीं, ये वाला सम खत्म, 3D खत्म नहीं, ये वाला सम खत्म, 0 आ गया। Hence proved, देखिए कितना फटाफट सम हो रहा है, क्योंकि लॉजिकली अपने साउंड है, वही लॉजिक अपना हिला हुआ है, तो सर सम इतना फटाफट नहीं होने वाला है। सर सबको एग्री तो करते हो ना, पता चला मैं ही प्रैक्टिस किए जा रहा हूं, मैं ही बोले जा रहा हूं, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। और सेम चीज पैरेलल के लिए आएगा, तो ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू आप लोगों को करना है। समझ आ रहा है ना सबको, यहां या ना बोलिए ना फटाफट। ओ हाँ सर, यस सर। आइए एक क्वेश्चन नंबर 3 भी उठाया जो पैरेलल का है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 जो पैरेलल कंडीशन का, आइए वो भी अपने लोग उठाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और कुछ नहीं है। शो दैट लाइन थ्रू पॉइंट्स, सो दैट लाइन थ्रू पॉइंट्स 4, 7, 8, 2, 3, 4 इस पैरेलल टू लाइन थ्रू पॉइंट्स, लाइन थ्रू पॉइंट्स -1, -2, 1, 1, 2, 5। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बोला ध्यान से सुनना कि सेम तरीके से पहले वेक्टर तो फॉर्म कर लो। हाँ सर फॉर्म कर रहा है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला करना है अपने को, बाद वाला माइनस पहले वाला करना है, तो मतलब 2 -4 आई कैप प्लस 3 -7 जे कैप प्लस 4 -8 के कैप, ठीक है। तो सर सीधी बात नो बकवास, आप लोगों का क्या आया, -2 i कैप -4 j कैप -4 k कैप। और अगर अपने वेक्टर बी बताएं तो वेक्टर बी का क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 -1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 i कैप, 2 -2 यानी कि +4 j कैप, 5 - 1 यानी कि 4 k कैप। हो गया सर बात, जी सर बात तो हो गया, समझ में आ गया, बात तो सर समझ में आ गया, हो गया। अब सर ये दो आप लोगों का इक्वेशन बन गया, दो वेक्टर्स का, चेक कर लीजिएगा बस, ठीक है ना। 1 -1 यानी कि +2, 2 -2 और 5 - 1 यानी कि 4, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, अब आप लोगों का a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 चेक करना है, ठीक है ना। तो करते हैं चेक अपने लोग का, a1 by a2 यानी कि -2 by 2 कितना हुआ, -1, करेक्ट। सिमिलरली b1 by b2 चेक करते हैं अपने लोग, कितना हुआ, -4 by 4 को तो हलो -1। और सिमिलरली c1 by c2 कितना होता है, -4 by 4 ही है ना, हाँ, तो यानी कि -4 by 4 -1, जाओ खत्म, गुड बाय टाटा, मतलब क्लास से मत चले जाना बाबा, मतलब सम हो गया, मैं आउट ऑफ हैप्पीनेस बोला c1 by c2। हेंस पैरेलल, क्योंकि पैरेलल का यही कंडीशन मैं आपको बताया था। सबको यहां ना बोलिए ना, सबको यहां ना बोलिए ना सर, सन्नाटा क्यों है। हाँ सर बताइए, यस सर, ओहो आशीष बाबू बुरा मत माना करो बात का, हर्ष बोला कि आप मेरे किसी बात का बुरा मान गए थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ओके स्टार्ट करते हैं। तो सर अब डिस्कशन क्या है, अब अपने लोग एक वैसा क्वेश्चन पे आएंगे जहां पे इक्वेशन फॉर्म होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द
इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो जो इक्वेशन वाला लॉजिक आप लोगों को सिखाया गया ना, अब वो यूज होने वाला है आपका. फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन दोस्तों विच पासिस थ्रू 2, -3, 6 एंड पैरेलल टू. मैंने आपको क्या कहा था, दो चीजें दी हुई रहेंगी, पहला कि वो जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है नंबर वन, और दूसरा वो लाइन किस वेक्टर से पैरेलल है. पहला कि वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और दूसरा वो किस वेक्टर से पैरेलल है. एंड पैरेलल टू 3i कैप + 5j कैप + 10k कैप. सर समझ में आ गया बात आपका, सर समझ में आ गया बात आप लोगों का. अब ध्यान से सुनिएगा बात को, अब ध्यान से सुनिएगा बात को. मैं आप लोगों को क्या सिखा रखा हूं, मैंने आप लोगों को यह सिखा रखा है कि जिसके थ्रू पास करेगा, जिसके थ्रू पास करेगा. अच्छा फाइंड इक्वेशन जब बोल रहा है तो मतलब वेक्टर और अपने वो भी यूज करेंगे, क्या नाम है, वेक्टर इक्वेशन भी और कार्टेशियन इक्वेशन भी यूज करेंगे. तो सुनिए, जो भी है, जो पॉइंट है दोस्त, जो पॉइंट है दोस्तों, x1 y1 और z1 मानते हैं, 2, -3, 6. मैंने आपको क्या कहा था, उसका एक कैप, एक नया वेक्टर क्रिएट कर लीजिएगा, एक कैप नहीं पोजीशन वेक्टर क्रिएट कर लीजिएगा, जो कि कैसे होगा, बस 2 के सामने i कैप, 3 के सामने j कैप और 6 के सामने k कैप. तो वेक्टर a हो गया. जी सर. और मैंने क्या कहा था, जिस भी वेक्टर से पैरेलल रहता है वो हमेशा वेक्टर b होता है. सर बात तो सही है, सर बात तो सही है, बात तो सर एकदम पते की आपने. तो मैं बोला बस खत्म ना बात. और आप लोग को मैंने क्या सिखा रखा था, मैंने आप लोग को सिखा रखा था कि अपने को वेक्टर आर का इक्वेशन चाहिए, या बेसिकली वेक्टर इक्वेशन आर के फॉर्म में चाहिए. तो मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा था कि द फॉर्मूला इज, अपने को अल्टीमेटली फॉर्मूला बैठाना है, ए वेक्टर पोजिशन वेक्टर ए प्लस लेमडा इंटू वेक्टर बी, खत्म खत्म हो गया. बस 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 ये होने वाला है, यहां पर ये हो गया ए का प्लस लैम्डा टाइम्स, और बी लिख दीजिए बस, बी वाला वेक्टर को अंदर में, 3i कैप + 5j कैप + 10k कैप, खत्म हो गया, खत्म मतलब वेक्टर इक्वेशन खत्म. सर इसके आगे कुछ नहीं करेंगे ना, कुछ कर भी नहीं सकते, आप चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, यही छोड़ दीजिए. सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बता दीजिए फटाफट, हाँ ना बता दीजिए सर सब फटाफट. हाँ ना बता दीजिए बस. हाँ सर गुड, बेहतर. अब सर कार्टेशियन वाला बात करिए आप हमसे. मैं बोला देखिए कार्टेशियन वाला बात क्या बोलता है कि, अच्छा कार्टेशियन हेडिंग दे देते हैं, ये जो था ये था वेक्टर इक्वेशन, ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज करना है आपने, y-y1 z-z1/c = λ, ठीक है ना, ये बात आप लोगों को मैंने बता रखा था, इक्वल टू लैम्डा लिखे या नहीं लिखे वो आपकी मर्जी है. x-x1/a, b-y-y1/b और z-z1/c रहना पड़ेगा. x1 y1 और z1 क्या है, वो जो पॉइंट गिवन है, और a b और c क्या है, वो डायरेक्शन रेशियो है ऑफ द पैरेलल वेक्टर. सर समझ आता है आपका बात. तो यानी कि जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, 2, -3, 6. तो यानी कि 2 y-3 यानी कि y+3 और 6 है ना, 6 यानी कि z-6 होल डिवाइडेड बाई ए बी और सी निकालना है. अब साहब ए बी और सी क्या है, साहब ए बी और सी क्या है दोस्तों, ए बी और सी है पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोस, यानी कि 3, 5 और 10. सर सीधी बात, नो बकवास, हो गया, ये हो गया आप लोगों का क्या, कार्टेशियन इक्वेशन. और ये बाजू में इसका आंसर, ये बाजू में इसका आंसर. बताइए सर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो फटाफट बोल दीजिए एवरीवन. एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपने लोग रैप अप करेंगे. एक लास्ट क्वेश्चन,
यस सर, हाँ सर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दोस्त क्वेश्चन है आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स माइनस 1/4 इक्वल टू वाई माइनस 3/2 इक्वल टू जेड प्लस 5/4, 5/3। चलिए आपको बोला गया कन्वर्ट दिस इनटू वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में है, आपको बोला गया एक काम करो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब आप लोग भी स्मार्ट कम नहीं है, आप लोग को वेक्टर फॉर्म याद है, और आप लोग को वेक्टर फॉर्म क्या याद है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर है जो पैरेलल वाला है, ए वेक्टर है जो पॉइंट वाला है, और पॉइंट वाला वैल्यू कहाँ रहता है, ऊपर में रहता है, एक्स वन वाई वन और जेड वन। याद रखिएगा एक्स माइनस एक्स वन फॉर्मेट है, तो इस लॉजिक से एक्स वन कितना है 1, वाई वन कितना है 3, जेड वन को भूल से भी 5 मत लिखिएगा, वो माइनस 5 होगा। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में ये क्या बना होगा, जेड माइनस माइनस 5 ना, तो ये है जेड वन। ओ सर बात सही बोलते हो आप, बिकॉज द इक्वेशन इज एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन, सो दिस प्लस 5 हैज टू बी माइनस माइनस 5 ना, सो दैट्स वाई इट्स माइनस 5, करेक्ट। तो अगर आप लोगों को पॉइंट्स पता चल गया तो आपका वेक्टर ए तैयार हो गया। कैसे? ये हो गया 1 इंटू आई कैप यानी कि आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये तैयार हो गया आपका। और पैरेलल वेक्टर के लिए आप लोगों को पता है नीचे वाला देखना पड़ता है 4 2 और 3, तो वेक्टर बी क्या होगा 4 आई कैप, क्योंकि 2 है नीचे में, 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब सर बाकी क्या है, सब तो आ गया, खत्म खत्म खत्म, प्लस लैम्डा 4 आई के आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप सम खत्म। सर सबको समझ में आया? हाँ ना बोलिए। वेक्टर्स बहुत इजी है, 3D बहुत इजी है, ये फटाफट लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए, वरना मेरे को रात में नींद नहीं आएगा, फटाफट लिख दीजिए। आप लोग चाहते हैं मैं प्रॉपरली सोऊं रात में, तो प्लीज लिख दीजिए। छोटी छोटी बातें और है 3D के बारे में, बट लिख दीजिए फटाफट। यस इजी है सर, इजी है सर, खत्म, गुड बाय, और सच में टाटा। अच्छा हर्ष, ठीक है,